झारखंड कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को हुई बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिलहाल तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद चुनाव हो सकते हैं। वहीं इस प्रस्ताव को गवर्नर और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। बताएं कि राज्य में अब तक दो बार ही पंचायत चुनाव हो सका है। पहली बार दिसंबर 2010 में चुनाव हुआ था और दूसरी बार भी तय समय के मुताबिक दिसंबर 2015 में पंचायत चुनाव कराया गया। तीसरी बार भी दिसंबर 2020 में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस चुनाव को टालना पड़ा। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को 6 महीने का एक्सटेंशन देकर कार्यकारी व्यवस्था के तहत गाँव की सरकार चलाई गई। ये अवधि भी खत्म हो गई है और चुनाव नहीं कराया जा सका, तब फिर से पंचायती राज व्यवस्था को एक्सटेंशन देने की जरूरत हुई। इस बार पंचायत चुनाव होने तक की अवधि के लिए एक्सटेंशन दिया गया है और इसके तहत ही गांव में सरकार का संचालन हो रहा है। विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत का यूजीसी पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध। वैसे सभी उपभोक्ता जिनका प्रति माह विद्युत खपत 400 यूनिट से अधिक है, उनको कोई भी सब्सिडी नहीं दिए जाने का प्रस्ताव है और इसके तहत पूरे वर्ष में लगभग 210 करोड़ की। तो झारखंड कैबिनेट ने पंचायत चुनाव पर मुहर लगा दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने पंचायत चुनाव पर मुहर लगा दी है। अब चुनाव आयोग सोच समझकर चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द करेगा। पहले से ही कह रहे थे कि हम पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं और हाईकोर्ट का डिसीजन भी एक आया था, जहाँ पर ड्यू पड़ा हुआ है तो वो लोग चुनाव करा सकते हैं और आज मंत्रिमंडल में पारित भी कर दिया गया है। अपडेट जो है चुनाव कमिश्नर जो है चुनाव और सीधा रुक करेंगे। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे आम लोगों की बात करें। यही बार बार बोला जा रहा था कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, लेकिन आखिरकार इन तमाम चीजों पर अब विराम लग गया है, पंचायत चुनाव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। देखिए राजदा, इस राज्य की राजनीति का एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि हर छोटी चीज पर राजनीति होती है। देखिए, राज्य सरकार ने दिसंबर के महीने में पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे यह जानकारी नहीं होगी कि किस प्रकार से कोविड-19 ने झारखंड को अपने चपेट में लेने की कोशिश की। यदि उस वक्त चुनाव कराए जाते तो एक सवाल यह भी उठ कर रहा होता कि सरकार को पंचायत चुनाव कराने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है, जबकि कोविड का दौर चल रहा है, लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जब चीजें ठीक हुई तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद अप्रैल के महीने में चुनाव हो जाएंगे। और इनफार अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि इस राज्य का दुर्भाग्य है, थोड़ा इधर आ जाइए, कि हर छोटी चीज में राजनीति होती है। दिसंबर में कैसे चुनाव हो जाते, कोविड था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नहीं कराना चाहती थी सरकार। देखिए, पंचायती राज जो है वो कांग्रेस की देन है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी चाहते थे कि हमारा ग्राम मजबूत हो, पंचायत मजबूत हो और पंचायत के जनप्रतिनिधियों को उनका अधिकार मिले। ये सोच था कांग्रेस पार्टी का, ये सोच है हमारा, और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि आज ग्राम में मुखिया हो चाहे जिला परिषद हो चाहे वो वार्ड परिषद हो, ये अधिकार मिला उनको। और दूसरी ओर रही बात चुनाव का, तो भाजपा वाले अगर कहेंगे चुनाव कराओ तो ये तो हास्यास्पद है। चुनाव होगा क्यों नहीं होगा, समय हालात को देखते हुए चुनाव होगा। अब दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर में एक तो ठंड था, दूसरा ओमिक्रॉन वायरस आ गया, तो एक तो सरकार की प्राथमिकता है जान बचाना,
चुनाव पहले प्राथमिकता नहीं है, पहले है कि हम अपने लोगों की जान बचाएं। तो अब सब कुछ सामान्य है और सरकार चाहती भी है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, और जैसे बजट सत्र खत्म होगा चुनाव होगा, ये मैं विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, हर चीज में राजनीति मत कीजिए, गलत मैसेज जाता है। सरकार को चिंता है कि कब क्या करना है नहीं करना है, ये सरकार की जवाबदेही है। आप कौन होते हैं हर समय एकदम चुनाव कराओ चुनाव कराओ, चुनाव तो आपका है ही नहीं, आपके जनप्रतिनिधि कहाँ आते हैं, भाजपा के लोग कहाँ आते हैं जीतकर, एक भी मुखिया भाजपा का नहीं है यहाँ, और होगा भी नहीं हमको लगता है। तो ऐसे बेवजह सरकार को दबाव बनाना ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत मुद्दे हैं, आइए ना मुद्दे पर घेरिए ना हम लोगों को भाई, कहाँ है, अगर हम ही देते हैं मुद्दा, मान लीजिए कोरोना पर राजनीति कीजिएगा, कोविड पर राजनीति कीजिएगा, ओमिक्रॉन था आ गया अचानक, आनंद फान में हम लोगों ने कई स्टेप लिए, सरकार ने कई स्टेप लिया, तो सर वो तो आप लगता है कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं श्योर करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ होगा हर हाल में, तौर पर अधिकृत नहीं, मैं तो कोई मंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये आप मान के चलिए कि जैसे ही बजट खत्म होगा, जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है ऑलरेडी हैज बीन डन। बिल्कुल, तो इरफान अंसारी जी ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि अप्रैल में चुनाव होंगे, हालांकि इरफान अंसारी जी एक जामतारा में नाव हादसे की घटना से काफी दुखी हैं। जी, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, नाव हादसा हुआ है, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं रात भर नहीं सोया, कल जामतारा में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जामतारा के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होगी, ये घटना पूरा मर्माहत कर दिया, मुझे तोड़ के रख दिया है। और नाव बिरबिंदिया पुल जो निरसा से लोग आ रहे हैं, वहाँ काम करते हैं हमारे लोग, और रात में घर आते हैं नौका के माध्यम से घर आते हैं, क्योंकि 85 किलोमीटर शॉर्ट है वो बिरबिंदिया पुल। और अभी क्या स्थिति है? नहीं, लोग आ रहे थे और ऐसे में अचानक तेज बारिश हुई, हवा चली, आंधी आई और नाव पलट गया। उस नाव में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 22 से 23 लोग थे, 8 मोटरसाइकिल था, 6-7 साइकिलें थी, सारा बह गया, 2-3 लोग की जान बची है, लोगों ने जान बचाया है, और जो बचे हुए लोग हैं उनका ये मानना है कि सारे लोग बह गए। तो कहने के जानकारी मिली है न्यूजीलैंड को, आज मुख्यमंत्री साहब मिलने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर। मैं देखिए मैंने पिताजी फुरकान साहब को मैं वहाँ लगा दिया था कि रात में आप तुरंत वहाँ चले जाइए, जाके देखिए, और सबसे पहले फुरकान साहब पहुँचे और सबकी एक एक लोगों की बातें सुनी, और मैं रांची पहुँच चुका था, रात में मैं सीएम साहब से मिलने के लिए गया, उनको विस्तारपूर्वक मैंने सारी घटनाओं की जानकारी दी है, अभी फिर मैं मिलने जा रहा हूँ, और मैंने मांग किया कि बिहार में 6 लाख रुपये मिल रहा है नाव हादसे में मृतकों को 6 लाख रुपये वहाँ मिल रहा है, तो यहाँ 10 लाख रुपया हर हाल में दिया जाए, और जो नौकरी करके आ रहे थे एमपीएल से, उनकी भी सुनते हैं कि मृत्यु होने की सूचना है, तो उनको कम से कम सरकारी नौकरियाँ दें। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि बिरबिंदिया पुल, इस पुल को भाजपा के नेताओं ने इतना बिरहमी से लूटा, हम बता नहीं सकते, ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये जो हादसा है ये बेहद दुखद है अजय, और जाहिर तौर पर ऐसे हादसे ना हो इसके लिए भी ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।